يقول راج الخالق هو الأمين وافقي حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مختصر العقيدة الإسلامية كتاب كسلسلة وار درس جاريه وراج غالبا هماري مجلس مجلسه और इस मजलिस में इस दर्स में हम जो बाब आपके सामने बयान करेंगे उसका जो मुसनफ़ ने क़ायम किया है वो ये है अनवा शरिक अकबर शरिक अकबर की अनवा यानी शिरक अकबर की सूरतें इससे पहले पिछली मजलिस में भी हमने शिरक अकबर की ही मुख्तलफ़ बयान की थी और इस बाब में भी शेख चंद और मुख्तलिसूरतें शिरक अकबर की बयान करेंगे सवाल नंबर एक है हल न بالاموات او अविल इबीन हल न क्या हम इससे गासा कर सकते हैं बिल अमवाती मर्दों से अविल इबीन या उनसे जो गायब हैं अमवात से मुराद जो दुनिया से रख्सत हो चुके हैं जिनके पास न कोई इल्म है हमारे हाल हवाल का और ना वो हमारी मदद करने की ताकत रखते हैं ऐसे मुर्दे हैं और गाइबीन से मुराद वो लोग जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते जिनका हमारे और उनके दरमियान कोई रबता नहीं कोई कनेक्शन नहीं और कोई ऐसे इसबाब भी उनके पास मैसर नहीं कि जिनके ज़रिए वो हमारा कोई फ़ायदा कर सकें या हमें किसी नुकसान से बचा सकें तो वो लोग गायबीन से मुराद हैं यानी बात हमारे सामने एक आदमी बैठा है हम उसे मदद के लिए पुकारते हैं और उसके पास इसब हैं हमारी मदद करने के तो हम उसे मदद के लिए पुकारते हैं तो ये एक अलग बात है जो तहतल इसबाब कोई मदद किसी की करता है यहाँ बात कुछ और हो रही है सवाल का मकसद है कि वो गायबीन जो हमारे हालत के बारे में भी नहीं जानते कोई उनके पास इसबाब भी नहीं है हमारी हालत जानने के और ना वो हमारी मदद करने के लिए ताकत रखते हैं ना उनके पास इसबाब हैं ऐसे गायबीन को क्या हम इस गसा यानी मदद के लिए पुकार सकते हैं तो यह है सवाल लफ्ज इस जो है इसका माना होता है मदद के लिए पुकारना तलब गौस इससे गसा का माना है तलबुल गौस ऐसी मदद को कहते हैं कि जब इंसान डूबा हुआ हो गक हो रहा हो मुश्किल में फंसा हुआ हो परेशानी में डूबा हो ऐसी हालत में अगर मदद मांगता है तो ऐसी हालत में मदद मांगने को इससे कहा जाता है और यहाँ एक और इल्मी नुकतः यह भी याद रखें जो अरबी ज़बान के ग्रामर से ताल्लुक़ रखता है लेकिन फ़ायदेमंद बात है कि अक्सर अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके शुरू में अलिफ सीन और ता आता है अलिफ सीन और ता जैसे इसत्यान इसत्यान अलिफ सीन ता और आगे है आना इस्तियाना तो इसमें भी तलब का माना आएगा तलबुल इआना मदद तलब करना इसी तरह यह लफ्ज़ है इसत अलिफ सीन ता और उसके बाद आगे लफ्ज़ है तो जहाँ भी शुरू में अलिफ सीन और ता आए तो उसमें तलब का मफहम पाया जाएगा इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसतफाम अलिफ सीन ता आ रहा है तो इसमें भी तलब का मायना इसफ़ाम यानी फ़हम तलब करना फहम तलब करना तो यहाँ भी लफ्ज़ का माना होगा तलब अल तलबल्गौ यानी ऐसी मदद मांगना कि जो इंसान मुश्किल हालत में मांगे हालत शिद्दत में जब मदद मांगे तो ऐसी मदद को इससे कहा जाता है तो सवाल क्या हुआ कि जब कोई इंसान मुश्किल में फंसा हुआ हो कश्ती में जा रहा है और मौजों में फंस गया है गर्क होने वाला है किसी और परेशानी में फंसा हुआ है और ऐसी हालत में उसे मदद चाहिए तो वो मदद के लिए पुकारता है तो क्या ऐसी हालत में अमवात और गाइबीन दोनों ही उसकी मदद की ताकत नहीं रखते और उनके पास इसबाब नहीं मदद के तो ऐसी हालत में क्या अमवात और गाएं को मदद के लिए पुकारना इससे गाजा करना उनसे जायज़ है कि नहीं जवाब लान सगी सभी वाला उबल न सगी सु लान ला सगी हम इनसे इससे गज़ा नहीं करेंगे बल न सगी बिल्ला बल्कि हम अल्लाह से तासा करेंगे यानी बाज लोग आपने सुना होगा लफ्ज़ बोलते हैं या गौस पाक मदद ये लफ्ज गौस गौस जो लफ्ज है इसत ये आप देखें मिलता जुलता है एक ही मायना है इसमें मदद करने का मफहम पाया जा रहा है या गौ आ या गौस पाक या गौसन तो गौस लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है आम तौर पे हमारे यहाँ ये लफ्ज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रही के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक जाहिद और आबिद थे इबादत गुजार बंदे थे तो उनसे सिगासा किया जाता है और उनका बाकायदा नाम रख दिया गया है गौस आज़म या गौस पाक या सकलेन कहते हैं कि जिन्नो इंस के गौस हैं वो कि हर मुश्किल में फंसे हुए बंदे की वही मदद करते हैं तो इसलिए लोग कहते हैं या गौस आज़म मदद तो क्या उनसे या किसी और मैयत से या किसी और गायब से गौस तलब की जा सकती है मदद तलब की जा सकती है परेशानी और मुश्किल में तो जवाब क्या है ला न सगी हरगिज किसी और से अल्लाह के अलावा किसी और से इस नहीं किया जा सकता बल न बिल्लाह बल्कि हम अल्लाह से तस्तासा करेंगे قال الله تعالى ألا تعالى من القرآن باك ميرشاد فرماية وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَالَّذِينَ वो लोग जो यदऊना दुआ करते हैं मंदून अल्लाह के अलावा किसी और से लायख़ल़ून शैया उन्होंने किसी शे किसी चीज़ को पैदा नहीं किया वम युलाक़ून और वो खुद पैदा किए गए हैं गैर तैरुआ आगे अल्लाह ने फौरन फौरन किसका जिक्र किया अम मैतों का अमवातन और यहाँ से एक बहुत अहम नुक्ता निकलता है जो आगे जाके मैं बयान करूँगा फरमाए अमवातन गैर मुर्दे जिंदा नहीं होते वमा यह शुरु न उन्हें तो इस बात का शूर भी नहीं है कि उन्हें कब उठाए जाना है यानी एक मर्दे के साथ क्या मामला होना है उठाया जाना है उसने मुर्दे ने उठाया जाना है हर मुर्दे ने एक दिन उठाया जाना है तो जो उसके साथ होगा उसे तो उसका नहीं पता कि कब उठाया जाना है हर मुर्दे ने उठाया जाना है और उसको ये अपने मामले का नहीं पता जो उसके साथ पेश आना है कि उसे कब उठाया जाना है तो जो बाहर लोग मुश्किलों में फंसे हुए हैं या गर्क होने वाले लोग हैं मसायब और मुश्किल के शिकार लोग हैं उनकी मुश्किलों को कैसे जानेगा मुर्दा उसे तो यह नहीं पता कि मुझे उठाया कब जाना है क्योंकि मुर्दे के साथ जो असल मामला पेश आना है वो यही आना है कि उसे उठाया जाना है दोबारा बेसत होनी है जिंदा होंगे अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे हिसाब किताब होगा हर मुर्दा जिंदा होगा जो मरा है उसने दोबारा उठाया जाना है यह भी मुर्दा नहीं जानता कि उसे कब उठाया जाना है जो उसका अपना मसला है जैसे जिंदों के कुछ मसाइल होते हैं उसी तरह मुर्दे का भी मसला है कि मुर्दे ने कब उठाया जाना है तो अल्लाह ताली ने फरमाया कि उसको तो ये नहीं पता है कि उसे उठाया कब जाना है तुम्हारी बाहर की मुश्किल को वो कहाँ जानेगा जब कि उसको अपने मामले का इल्म नहीं है उसके बाद फरमाया मैत का यहाँ जिक्र किया अल्लाह तला ने शुरू में बात आ रही मिंद वह लोग जो अल्लाह के अलावा मिंद अल्लाह के अलावा किसी से दुआ करते हैं लाखलूकून अशैया वहुम खलकून उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया और वह खुद पैदा किए गए हैं और वह खुद मखलूक़ हैं यह तय हो गया कि जो मखलूक है वह किसी किस्म की दुआ का मुस्क नहीं और खालिक जो है जिसने पैदा किया है वही दुआओं का मुस्तहिक है उसी से दुआ की जाए इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम कैसे तसूर कर सकते हो कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारो जबकि तमाम अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो मखलूक़ है तो खालिक को पुकारो मखलूक होना उसके पुकारे जाने की नफ़ी है अमवात और फिर मखलूक में से भी तुम मैतों को पुकारते हो अल्लाह ताला ने ये वाजे कर दिया अमवात अमवात हैं क्या मतलब गैर अहिया वो ज़िंदा नहीं हैं यहाँ बहस हो रही है ना आज हमारे माहौल में के मुर्दे सुनते हैं मुर्दे जिंदा हैं या अल्लाह के केलिया सुनते हैं उनको मरा हुआ ना कहो अल्लाह तहते हैं अमवात गैर अहिया मुर्दे जिंदा नहीं हैं मुर्दे जिंदा नहीं सादी सी बात बता दी और फिर मुर्दे होने का मतलब क्या है जब यह तय हो जाए कि कोई मुर्दा है तो फिर आगे से ये कहना कि मुर्दे सुनते हैं तो फिर मुर्दा कैसा है जो सुनता है जिसको एहसास हो बाहर वाली चीज़ों का तो इसे फिर मुर्दा क्यों कहा जाएगा मुर्दा होने का मतलब ही आगे फरमा दिया वामा या शुरू न अया नयुबासन इस बात को जोड़ा है अमवात की वजाहत में अमवात अहिया अमवात गैर अहिया है जिंदा नहीं और फिर उन्हीं के बारे में फरमाया वामा या शुरु अया उन्हें इस बात का भी शुरू नहीं होता एहसास नहीं होता उन्हें उठाया कब जाना है तो हम कहते हैं वो सुनते हैं वो देखते हैं वो मदद करते हैं तो फिर मुर्दे कैसे हैं तो मुर्दे को तो मुर्दा होने का मतलब ही ये है कि उसको अपना मामला नहीं पता है कि उसे उठाया कब जाना है तो वो पुकारा जाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये कैसे सोचा जा सकता है तो अल्लाह और रबलत खालिक को मालिक है अल्लाह और रबलत भी इस कायनात का तदबीर करने वाला मुदबिर है लिहाजा हर क़स्म की दुआ उसी से की जाएगी इससे गास्ा भी उसी से किया जाएगा ये थी सूरत नहल की आयत तक्रीमा इसके बाद दूसरी दलील है इज़ तस्ना रब अल्लाह अपने प्यारे नबी महमदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया इज इज जब तस्तगी तुम इससे गजा कर रहे थे रब अपने रब से कौन इससे गाजा कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्हु वसम जो तमाम इंसानियत में सबसे बड़ा मकाम और मरतबा रखते हैं वो इस कर रहे हैं अल्लाह से, तो हम क्यों कर या कैसे अल्लाह के अलावा किसी और से इस करें जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है बेहतरीन उस्वा है वो ये नहीं कह रहे कि मुझे इससे गाजे की ज़रूरत नहीं मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ ना लोगों को कह रहे हैं मुझसे इस करो बल्कि उनका जो अल्लाह ने बतौर उस्वा जो बात यहाँ बयान की ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिगासा करते हैं अपने रब से अल्लाह के रसूल भी इस्तिगासा करते हैं अपने रब से तो ये बात बड़ी अहम है कि अगर कोई ये सोचे अगर कोई ये सोचे कि फ़लाँ अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग से दुआ की जा सकती है क्योंकि वो बुज़ुर्ग है और बुजुर्गों के पास इख्तियार है बुजुर्ग मदद कर सकते हैं तो हम उसे कहेंगे तुम बुजुर्गों की बात कर रहे हो अल्लाह के रसूल से बड़ा मकाम तो किसी बुजुर्ग का नहीं किसी नेक बंदे का मकाम और मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तो नहीं हो सकता तो आप वसल्लम ने तो अल्लाह को पुकारा और अगर वो खुद यानी आप वसल्लम किसी की मदद कर सकते होते तो सबसे पहले अपनी खुद करते आपने भी अल्लाह को अल्लाह त पुकारा इस रब्बकुम अल्लाह ताला ने याद करवाया जब तुम अपने रब से इस कर रहे थे तो उसने तुम्हारे दुआ को इस से को कबूल किया और फिर अल्लाह कबूल कि कैसे किया कि गज बदर में फरिश्तेतार अंदर कतार मदद करने के लिए आ गए अल्लाह तला के हुक्म से नाजिल हुए तो क्या पता चला कि किसी का बुजुर्ग होना इससे यह साबित नहीं होता कि वो मदद कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बुजुर्गी वाली हसी जो है इंसानों में वो आप अलैहि वसल्लम है उनसे बढ़ कर किसी की बुजुर्गी नहीं किसी की एहतराम किसी का मकाम और किसी का मर्तबा नहीं सबसे बढ़ कर मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उनका उसवा हमें यह बताता है कि आपने खुद अपनी मदद का दावा नहीं किया कि मैं खुद अपनी मदद कर सकता हूँ या किसी की बल्कि वो भी अल्लाह तासा कर रहे हैं तो ये है

हमेशा से जो जिंदा है हमेशा तक ज़िंदा रहने वाला या कयूम क्यूम जो ख़ुद भी कायम है और उसी के हुक्म से पूरी कायन तमाम मखलूक का निज़ाम कायम है बेरोहमत ही का अस्गीस तेरी रहमत के साथ तुझसे इस गाज़ा करते हैं तो यहाँ भी ये यह सुबह शाम के अजगार में भी हम ये दुआ करते हैं इस गाज़ा किससे करना है अल्लाह रबत से और ये हसन दर्जे की रिवायत है सुन तिरमिदी में दूसरा सवाल सवाल नंबर दो हल्तजुज़ुल्स्नत ब़ैरल क्या अल्लाह के अलावा किसी और से इस करना जायज़ है इससे का माना भी उसी तरह तलबलआना मदद तलब करना आपने कोई काम शुरू किया है कोई काम शुरू करना है तो अल्लाह ताला था से हम उसकी मदद का सवाल करते हैं और उसका नाम लेके शुरू करते हैं ताकि या अल्लाह तू उसमें बरकत पैदा फरमा और हमें उसकी तौफीक दे हमारी मदद फरमा तो ये इसानत भी अल्लाह तलब कर इस्तेानत यानी तलबिला मदद तलब करना अल्लाह और इज़्ज़त से मदद तलब करनी है और इसका जवाब क्या है क्या गैर अल्लाह से मदद तलब करना जायज़ है जवाब ला تجوز क़न जायज़ नहीं व दलील تعالى और दलील क्या है अल्लाह ताला त कौल व इयाक यी इयाका का हम तुझ ही से हम तेरी ही इबादत करते हैं का तेरी ही ना हम इबादत करते हैं व का और तेरी ही तुझ ही से नस्तईन हम मदद तलब करते हैं सूरत फातिहा की आयत आगे शेख कहते हैं न बिल इबादह आयत का माना क्या है हम तुझे ख़ास करते हैं इबादत के साथ यानी तेरी ये इबादत करते हैं इबादत में तुझे ख़ास करते हैं दुआ और दुआ में वल आना और इस्तेानत में तुझसे मदद मांगने में तुझी को खास करते हैं ये काम किसी और के लिए नहीं करते

वब भी मदद तलब करो फिल्ला तोल्ल ते मदद तलब करो तो यह दो दलीलें हैं कि मदद तलब करने का रास्ता भी कहाँ है अल्लाह इजत से तलब करनी सवाल हल नस्त बिल्हिया तीसरा सवाल यह है क्या हम अहिया जिंदों से मदद तलब कर सकते हैं जवाब अब यह एक अहम नुकता दोबारा आ रहा है जो गौर तलब है नीमा यू नई जिंदों से तब मदद तलब की जा सकती है जब वो जिस काम की क़ुदरत रखते हों ऐसे काम में की जा सकती है जिस काम की क़ुदरत यानी ताकत रखते हों और असबाब के तहत अल्लाह ताला ने तारी इंसान को البر والتقوى ताल और तावन करो على البر والتقوى نیکی پہ اور تقوی پہ یہ سورة المائدہ کی آیت کریمہ ہے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه تعالى तब तक बंदे की मदद करता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता है यानी इंसान अपने भाई की एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है इसका क्या मतलब है कि जहाँ वो मदद करने के इख्तीार रखता है वो करता है लिहाजा ऐसी सूरत में ज़िंदा बंदे से मदद तलब करना जायज़ है जहाँ वो आपकी मदद करने की ताक़त रखता हो और जब हम ये कहें कि अल्लाह ताली के अलावा किसी से मदद तलब नहीं करनी तो इस बात से मुराद ये है कि ऐसे किसी से मदद तलब नहीं की जा सकती जो हमारी मदद की ताकत नहीं रखता जिसके पास असबाब नहीं है ताकत नहीं है चाहे वो मुर्दा है या जिंदा गायब है जिसके पास इख्तियार नहीं दूर बैठा है जो हमारे हाल अहवाल से वाकिफ़ नहीं हम उससे मदद मांग रहे हैं जैसे कि लोग जिनके हाथ में बैत करते हैं कोई मुरीद है अपने पीर से मदद मांग रहा है पीर बैठा हुआ है हज़ार किलोमीटर दूर उसको नहीं पता है वो समझता है कि मैं इस पीर को पुकारूंगा और पुकार की काम शुरू करूंगा तो मेरी उसकी मदद गैबी तौर पे शामिल हाल रहेगी तो ये शिरक है तो कब किसी जिंदा से मदद मांगना जायज़ है जब वो मदद करने की ताकत रखता हो और उसके मुख्तलिफ़ इसबाब हो सकते हैं तो ये रिवायत भी सही मुस्लिम में है सवाल नंबर चार हलूज हल यजूजू हल अन नजरू ला क्या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मन्नत नज़र जायज़ है और नज़र किसे कहते हैं जिसमें हम ये कहें किसी काम के करने के लिए हम ये कहें कि अगर मेरा ये काम या अल्लाह हो गया तो मैं तेरे लिए करूँगा इसे कहते हैं मन्नत मानना नज़र मानना और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज़र मानते हैं कि अगर मुझे औलाद हो गई और वह यह नज़र कैसे मानते हैं किसी मज़ार पे जाके किसी खानकाह पे जाके कि अगर इस मज़ार पे या इस खानकाह पे आने से इस हाजरी से मुझे औलाद हो गई तो मैं उस बेटे को इस मजार की ख़िदमत के लिए वक्फ कर दूँगा तो ये यह के नाम की नजर हो गई तो अल्लाह के नाम की नजर माननी है सवाल यह हलूजू क्या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की नजर यानी उर्दू में से मन्नत भी कहते हैं मन्नत माना जायज है जवाब लूजू नजरुला किसी सूरत अल्लाह के अलावा जायज़ नहीं कि किसी और के लिए नजर मानी जाए तौल है कुरने पाकि आयत करीमा इमरान रब इन्नी नजर तू लखा जब इमरात इमरान इमरान की बीवी ने कहा एम रब मैंने तेरे लिए नज़र मानी है लका लका तेरे लिए नज़र मानी है इससे ये मालूम हुआ अल्लाह ताला ने ततौर तारीफ़ ये बात जिक्र की है ये तय हो गया जिस काम को अल्लाह पसंद करता है वो इबादत है और यह नज़र मानना इबादत है कुरान पाक की इस आयत करीमा की दलील ये माफी बतनी महर्रा तेरी ख़िदमत के लिए मैंने अपने बेटे को आज़ाद करने की जो मेरे पेट में है इसको आज़ाद करने की नज़र माननी है कि तेरे ये घर की खिदमत करेगा आज़ाद हो के फ्बल मनी लिहाजा तू मुझसे ये कबूल फरमा मेरी इस नेकी को कबूल फरमा तो इस इसद गीमा से यह दलील मिली कि नज़र अल्लाह रबराज़्ज़्त के लिए अल्लाह के नाम की माननी وقوله صلى الله عليه وسلم اور اللہ رسول صلى الله عليه وسلم کا قول حديث مبارك من نذر ان يطيع الله من نذر جس نے نذر ان يطيع الله کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا یعنی نیک کام شرعی کام فرما برداری کرنے کی نذر مانی तो वो इताद करे नज़र पूरी करे वमन नजर या और जिसने गुनाह करने के लिए अल्लाह की, की नाफरमानी यानी मासियत की नज़र मानी फला अवसी तो वो अल्लाह की नाफरमानी न करे मासियत न करे तो नज़र पूरी एक तो अल्लाह के नाम की माननी है उसे पूरा करना है कब जब अल्लाह की फरमाबरदारी हो रही हो वरना अल्लाह ताली की मासीत में नज़र पूरी नहीं करनी रवा ये ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है सवाल नंबर पाँच है हल हलूज़ अजब उल्ल क्या बाह करना गैरल्ला के लिए जायज़ है जवाब ला लाजूज़ जायज़ नहीं है व दलील कऊल्ला तलील अल्लाह ये कौल है कुल इन्ना सौलाती कुल कह दो इन्ना सौलाती बेश मेरी नमाज व की और मेरी कुर्बानी ये लफ्ज़ याद रखें की और मेरी कुर्बानी व महिया या व ममाती और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत ला रबिल आलमीन अल्लाह के लिए है जो आलमीन है ला शरीकला उसका कोई शरीक नहीं वह भी का और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है सल्लल्लाहु अलैहि कह रहे हैं कि यही तो का हुक्म दिया गया है कि यही इसी को मैं अपनाऊं और इसी का ऐलान करूं यही लोगों तक पहुंचाऊं वह भी जैली का उमिर तू मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि आप अलैहि वसल्लम की अपनी नमाज उनकी कुर्बानी उनकी ज़िंदगी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी मौत मौत लफ्ज़ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मेरी मौत व माती ये सब कुछ अल्लाह के रसूल का किसके लिए है लब अल्लाह के लिए ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं वी जलिका उमिर और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है व अना वह मुस्लिमीन और मैं सबसे पहले इस बात को कबूल करने वाला हूँ इस्लाम लाने वाला हूँ यह अनाम की आयत करीमा लिहाजा हमारी तमाम इबादत पूरी ज़िंदगी और मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है और यह दर्स किसने दिया है आप अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान के लिए हमारी ज़िंदगी नहीं किसी इंसान के लिए हमारी मौत नहीं किसी इंसान के लिए हमारी नमाज या कोई इबादत नहीं किसी इंसान के लिए हमारी कुर्बानी नहीं और यहाँ लफ्ज़ आया आयत करीमा में नूसुकी नूसुकी से मोराद शेख कहते हैं ज़ब ही लान मेरा किसी जानवर को ज़िबाह करना तो ये भी किसके लिए अल्लाह के लिए आज बहुत सारे सियासतदान जेल से छूटते हैं और पता लगता है कि ख़बरों में आता है कि फ़लाँ सियासतदान ने वतन वापसी पे इतने बकरे फ़लां मज़ार पे बाह किए फ़लाँ मज़ार पे ख़बर वाले के लिए इतने बकरे चढ़ाए तो ये बह करना गैरुल्ला के नाम पर शिरक है और बाह भी किसके लिए करना है अल्लाह के लिए करना है। फिर सूरजुलकवसर की आयत करीमा हैबी का वन हर फसल का पस पढ़ नमाज सली नमाज पढ़ ले रबी का अपने रब के लिए वन हर और कुर्बानी दे तो नमाज जैसे लह के लिए है रब के लिए है और लफ्ज़ रब इस बात का सबूत है कि जो रब है वही नमाज और कुर्बानी का मुस्क है क्यों क्योंकि वो रब है और अल्लाह ताला की तोहद रबूबियत अल्लाह ताला की तोहद उलूत की दलील है फर्मा फौसली रबी का बस पढ़ नमाज अपने रब के लिए वन हर और कुर्बानी कर نماز بدنی عبارت ہے بدني عبادة مالی وقرباني مالي نماز نماذ بدني عبادة و وقرباني مالي عبادة ہے تو دوّنو عبادتين تعالى كليين. إن حر إذبح لله وحده ولا تذبح لغيره انحر نحر کر اذ يعني انحر کا معنی اذ بح زباح کر للہ هو جو ہے ولا تذبح لغيره اور نہ زبا کر وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وقال صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم نفرمى لعن الله अल्लाह की लाइनत हो उस किस पे मन बा जिसने वबाह किया जिसने बाह किया ला गैर के लिए जिसने गैरुल्लह के लिए बाह किया उस पर अल्लाह की लाइनत हो लिहाजा ये दलील है जो भी काम जिसके लिए लफ्ज लाइन आ जाए लाइनत तो वो कबीरा गुना होने पर दलालत करता है हराम होने पर दलालत करता है कि फ़लाँ काम पे अल्लाह की लाइनत करने वाले पे अल्लाह की लाइनत यानी फ़लाँ काम हराम है तो और बड़ी हरमत उसकी शिद्दत के साथ आई है तो फरमाया ला लन अल्लाह की लाइनत हो मन ब जिसने बाह किया लई الله के लिए और यह रिवायत सही मुस्लिम में है सवाल नंबर छः हल यजूज क्या क्या, क्या, के अलावा किसी और चीज़ के तवाफ़ करना जायज़ है क्या किसी और जगह तवाफ़ करते हैं यहाँ कब्रों पे करते हैं दरख्तों के भी करते हैं या पत्थरों के भी करते हैं तो काबे के अलावा किसी और चीज़ का तवाफ़ करना जायज़ नहीं लजो तोाफ़ु बिल्ला बिलक़ा जायज़ नहीं तवाफ़ अ बिलक़ा सिवाय क़बे केल्ल त ये कौल है कुरान के आय वलयफ़ू बिलबिल आती वलय तो अल्लाह ताली का हुक्म तवाफ़ करो بالبيت तिल आती़ बेहत आतीक का ज़ घर का जो हमेशा से है यानी अल्ल त घर हज की है करीम है और तवाफ़ अल्लाह ताली की इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकर्रब के लिए हम अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं काबे के गर्द सात चक्कर लगाते हैं और आगे हदीस भी आ रही है वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम तो बिलबैती सबअ जिसने बैत यानी अल्लाह के घर के सात चक्कर लगाया तवाफ़ किया वी और दो रकतें पढ़ी जो तवाफ़ की दो रकतें होती हैं मसनून हैं का न का तो उसका अजर क्या है ऐत कबा गर्दन आज़ाद करने का उसे मिलेगा अजर मिलेगा सही हदीस है रवाहू इब्न माजा इब्न माजा मेरी रिवायत मौजूद है तवाफ़ अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म होने की वजह से ये इबादत होने के लिए दलालत करता है अल्लाह काम का हुक्म दिया लिहाजा ये इबादत है अल्लाह ताला, ताला इसको पसंद करता है तो इसलिए जब यह तय हो गया कि यह काम इबादत है तो किसके लिए करना है अल्लाह रबलत के लिए करना है, है यानी अल्लाह रब्लत के तकर्रब के लिए तवाफ़ करना है अगर कोई किसी कब्र वाले का तवाफ़ करेगा उसकी कब्र के गर्द ये सोच करके मैं इसका तकरब हासिल कर लूँ तो ये शिरक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा शर्क उसकी इबादत हो जाएगी तो ये शर्क हो जाएगा कि ये मुझे नफा दे या ये मुझे नुकसान से बचाए इसलिए मैं इसकी कब्र के तवाफ़ कर रहा हूँ चक्कर लगा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा शिरक हो जाएगा सवाल नंबर सात है माह हुक्म सेहर सेहर जादू का क्या हुक्म है हुक्म से मुरा ये होता है कि शरीयत ने इसका क्या फैसला किया है जायज़ है ना जायज़ है हलाल है हराम है हराम है तो किस लेवल का हराम है तो ये माना होता है इसका हुक्म क्या है सेहर का क्या हुक्म है जवाब अ मिनल कुफ्री सेहर कुफर है कुफर में से है यानी जादू कुफ़र में से और भी बहुत सारे काम कुफरिया होते हैं ये भी उन्हीं में से है कल अल्लाह तरन पाक में अरशाद फरमाया الشياطين كفروا ये एक लंबी आयत सूर्य बकरा की उसका एक हिस्सा है वाला الشياطين كفروا लेकिन और लेकिन يعلمون ने क़र किया कि वो सिखाते थे लोगों को अससे जादू यानी जादू का अमल शैक्न की मदद से होता है और फिर इसकी लंबी तफसील है कि जादू करने करवाने के लिए बहुत सारे शर्खिया अमाल करने पड़ते हैं और गैरुल्ल को पुकारना पड़ता है कुफरिया काम करने पड़ते हैं तो जादू पूरे का पूरा अमल कुफर है वकाल सज तब सबालम बत बचो इजसनाब करो असब आसात ऐसी चीज़ों से अल्मात जो बर्बाद कर देने वाली हैं तबाह कर देती हैं अशर्क बिल्ला पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिरक करना व शहर और दूसरी चीज़ है जादू तो सात चीज़ों में जो तबाह कर देने वाली हैं उनमें दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का जिक्र किया है और यह हदीस सही मुस्लिम में है और आगे शेख लिखते हैं अल बतू अल मु मुबिकात से मुराद अलमहलिकत यानी हलाक कर देने वाली चीज़ें सवाल नंबर आठ है याफ़ काहिन कहानत और अर्राफ अर्राफ भी काहिन के मायने में ही आता है ये समझ लें जैसे कुछ लोग होते हैं जो हाथ देख के मुस्कबिल का हाल बताते हैं कि तुम्हारी शादी तब होगी तुम बीमार होगे या कारोबार अच्छा होगा या भूखे मरोगे या इस कस्म की कोई भी मालूम मुस्कबिल की जो लोगों को देते हैं कोई हाथ देख के बताता है कोई तोतों के ज़रिए बताता है कोई सितारों को देख के बताता है आजकल आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पे टॉक शोज में बैठी होती हैं औरतें बेपर्दा और वो जायचे बना रही होती हैं तो ये सारे का सारा कहानत के अंदर शामिल है तो वो कहते हैं सवाली हल नद्दुलर अर्राफ अवलका ही नफ़ी इल्मिलब क्या हम ग़ैब के इल्म के मामले में ग़ैब दानी में क्या अर्राफ़ जो दावे करें गैब जानने के या काहिन जो शयातीन से कुछ लेकर आगे लोगों को बयान करते हैं तो क्या इनकी बातों को इस किस्म के लोगों की बातों को माना जा सकता है या उनकी तस्दीक की जा सकती है जवाब यह है ला हम हम उनकी तस्दीक नहीं करेंगे अल्लाह तल्ला का यह कौल है कुल ला गईब अल कह दो ला या लम। कोई नहीं जानता मन फाती जो आसमानों में हैदी और जो जमीन में हैलब गैब कोल्लावाय अल्लाह के तो जमीन व आसमान में जो कुछ है उनमें से कोई भी तमाम मखलूक में से कोई भी अल्लाह के अलावा कोई भी गैब को नहीं जानता ये कुरने पाक कर दिया हुआ अकैदा और फरमाया कुल इन कह दो यानी आप को बाकायदा कहा कि इस बात को ही इनको पहुंचा दो इनको याद करा दो ये ऐलान कर दो कि ग़ैब अल्लाह ताला के पास है ये सूर्य नमल की आयत आए है और फिर मज़ीद ये कि इसके ऊपर बड़ी सख्त वहीद आई है काहिनों के पास जाना और उनकी बात की तस्दीक करना वक़ाल सन काहिना जो किसी अर्राफ़ के पास आया काहिना या किसी काहिन के पास आया और काहिन और लफज अर्राफ एक एतबार से मुशतर मायना रखते हैं एक जैसा मायन इनका कि मुस्तबिल खबरें देने वाले दानी का दावा करने वाले फसद जो इनके पास आया और आके उनकी बात की तस्दीक की उन्हें सच्चा कहा बीमा अकुल जो वो कह रहे हैं फकद बीमा उनहम्मद तो उन्होंने अगर उन्हें सच्चा कहा उनको सच्चा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इनकार किया किसका जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो शरीयत नाजिल हुई है उसका इनकार हो जाएगा अगर किसी ने काहिन और आर्राफ की बात को सच्चा कहा इतना बड़ा जुर्म है ये काम और ये रिवायत सही रिवायत है मुस्नद अहमद में मौजूद है और अज़राह मिज़ाह एक बात कही जाती है कि बहुत एक वाक़ बयान किया जाता है अल्लाह वो पेश हुआ या नहीं हुआ लेकिन वो तजर्बा तो किया जा सकता है कि अगर आप किसी काहिन के पास जाएँ या किसी अर्राफ के पास जाएँ जो हाथ देख रहे हों तो उनसे जाके हाथ दिखा के ये पूछें कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूँगा कि नहीं मारूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वह आपको बता सकता है कि नहीं बता सकता अगर वो बोले नहीं मारोगे तो फिर मार दें और अगर बोले कि मारोगे तो फिर ना मारें तो गैब का इलम किसी के पास नहीं है तो ये काहिन और अर्राफ ये सब शयातीन से रबते में रहते हैं और जो इन्हें झूठी ख़बरें ला के देते हैं और वो कैसे ला के देते हैं इसकी भी तफसील एक हरी से मुबारक में आई है और ये जितने मसाइल आए चूंकि इस किताब में मुख्तसरन बयान किए गए हैं और उनकी तफ़ी के लिए और मज़ीद जो तफ़ीली किताबें अक़ीदे की उनमें तफसलत आती हैं जैसे कि किताब तौहर इनशा आने वाले वक्त में हम वो भी पढ़ाएंगे तो इख्तसार से यहाँ है लेकिन इसकी तफसीली आदरीस उस किताब में मौजूद है सवाल नंबर नौ हल यामहद क्या कोई गैब जानता है जवाब ला जवाबीब अल्लाह के अलावा कोई गैब का इल्म नहीं रखता قال الله अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ग़ैब की चाबियाँ कुंजियां अल्लाह के पास हैं लाआल उन्हें कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के अल्लाह ताला के पास उसका इल्म है सूर्य नाम की आयतः तो ग़ैब जो ख़ज़ाना है वो अल्लाह ही जानता है हाँ अल्लाह रबुल्ज़त उस में से किसी को कुछ इल्म देना चाहे जैसे अल्लाह अपने अम्बिया और रसूलों को देता है तो वही के जरिए दे देता है लेकिन असल जो ख़ज़ाना है गैब के खजाने का जो मालिक है वो अल्लाह त है उसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता वक़ाल सब सरमाया ला या ब्ला के अलावा कोई गैब नहीं जानता हसन रवाबरानी ये तबरानी में रिवायत है हसन दर्जे की सवाल नंबर दस है माहमली बिलक़वान चिल्सलाम इस्लाम के मुखालफ़ कवान पेमल करना कैसा है उसका क्या हुक्म हैलोबाल बिलक़ानमखालिफ़ल इस्लाम कुफ़र इस्लाम मुखालिफ़ कवानीन पेमल करनाक़र है, بالقو... पे करना है। वज़ा अज़ाह और जब उसकी इजाज़त दे और अवतदा सलाह अतः सलाहैत सलाहैयत हा अवतद्यत हा युजु मिनल इस्लाम और अगर कोई उसकी इजाज़त दे या याद करे उनके सही होने का यजु इस्लाम तो इस्लाम से निकल जाएगा ये मसला बड़ा सेंसिटिव है और इस मसले के अंदर तफसील है कि इस्लाम ने हर चीज़ का क़ानून तय कर दिया है क्या हलाल है क्या हराम है यह तय कर दिया है एक है कि उस क़ानून को बदलना या उसके मुखालिफ क़ानून को उससे बेहतर कहना कि इस्लामी कवानी के मुक़ाबल या उसके मुखालिफ जो कवानी है लोगों के बनाए हुए वो ज़्यादा बेहतर है ऐसा कहने वाला यकीनन दार इस्लाम से ख़ारिज है लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि इस्लामी कवानी ही सच्चे हैं और वही काबिल अमल है वही हमारा कानून है लेकिन अमला अगर उसके कोई कमज़ोरी आ जाती है तो उस बुनियाद में उसे काफिर नहीं कहा जाएगा इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि एक आदमी है वो कहता है ज़िना करना हराम है कबीरा गुना है और अगर उससे ज़िना हो जाता है तो वो काफिर नहीं हो जाएगा वो गुनहगार होगा लेकिन एक आदमी जिना करता तो नहीं पाग दामन है और उसने ये कह दिया कि जिना हलाल है तो वह काफिर हो जाएगा दर इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा चाहे वह खुद ना भी करे क्यों क्योंकि उसने क़ानून इस्लाम का बदल दिया है तो इसी तरह कुछ इज्तमाही कवानीन होते हैं और तो उनको भी जब हम देखेंगे तो इसी तरीक़े से देखेंगे और कुरान पा की आयत करीमा है तमल युम बा अन फ़ल् एकक उमल का फ़िरन और जो भी लम यःकुम बमा अनु फ़ैसले नहीं करता उसके मुताबिक जो अल्ला ने नाजिल किया है फ़ोल एक्क उमल तो वही लोग काफिर हैं तो यह आयत करीमामा है कि जो बंदा ये अकीदा रखे कि अल्लाह इज़्ज़त के कानून से बेहतर किसी और का कानून है या अल्लाह इज़्ज़त के बताए हुए कवानी के मुकाबले में उनकी मुखालफत में किसी और क़ानून को वो क़ानून बनाए तो उसके बारे में यह आयत तक्रीमा आती है कैसा करने वाला जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा कवानीन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता तो वो काफ़िर है और इस मसले में दोबारा मैं बता दूँ इस मसले में काफ़ी तफसल है इस मसले को बुनियादी तौर पे इसी तरह लिया जाएगा लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बेहतर यह है कि एक आम तलब इम इसको लेकर किसी के ऊपर नाफिज ना करे किसी मुन शख्स के बारे में फ़ैसला ना करे किसी हुकूमत के बारे में फ़ैसला न करे यह मसला थोड़ा समझना तफसील के साथ ज़रूरी है लिहाजा इसको समझे बगैर جلد بازي مني لينا اسكو علماء كهف عليك وقال صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. اور كتاب حدیث من ہے كي जब फितने पैदा होंगे और उसमें से एक फितना ये भी होगा कि उनके सरदार आइम् जब अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे और जो अल्लाह ने नाजिल किया उसमें से इख्तियार नहीं करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा ला जयल्लाबीन के अल्लाह ताली उनके दरम्या ही आपस में लड़ाई डलवा देगा उनका नुक़सान दुश्मनी आपस में ही शुरू हो जाएगी तो ये जो मसाइल हैं अल्लाह के हुक्म के बारे में तो ये बुनियादी तौर पे तो तयशुदा बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ खाल मालिक है हुक्म भी उसी का है हुक्म भी उसी का होगा इस पूरी कायनात में अल्लाह ताली का ही हुक्म चलना है और जो अल्लाह ताली के हुक्म पे अमल नहीं करता अल्लाह ताली के हुक्म को सही नहीं मानता यही कहता है कि उस पे अमल करने की ज़रूरत नहीं है तो वो वह इस्लाम से ख़ारिज है लेकिन जब इसको किसी पर इंप्लीमेंट करने जाएंगे इन आयात को तो ये काम के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस मसले के अंदर तफसील है तो बाजा अवतारत लोग जज्बाती अंदाज़ में हुमरानों को काफ़िर कह देते हैं जबकि वह गहराई से मसाइल को नहीं समझ रहे होते तो इन आयात को फ़ौर किसी फ़र्द पर या किसी कौम के ऊपर या किसी हुक्मरान के ऊपर लगा के तकफीर नहीं करनी सवाल नंबर ग्यारह मन खाल अल्लाह ताली को किसने पैदा किया ये सवाल है जवाब इज़ा वसव शैतान بهذا सवाल अगर शैतान वसवसा डाले इस सवाल के ज़रिए तुम में से किसी को वसवसा हो फ़लत बिल्लाह तो वह जवाब तलाश करने ना चला जाए कि अल्लाह को किसने पैदा किया बल्कि फ़ौरन अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करे त वम्मा और जब भी शैतान कोई वसवसा डाले तुम्हारे नफ्स में कोई वसवसा कोई बुरा ख्याल आए फिर बिल्लाह तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो बेशक वही सुनने वाला और रखने वाला है वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कैद शैतान के हम शैतान के इस धोखे को चाल को कैसे مقابلة करें उसका الرد रद्द ونقول व नقول और آمنت بالله ورسله الله الص الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ الفاظ کہیں ثم يتفل عن يساره ثلاثه پھر بائیں جانے تین مرتبہ ہلکا حلق ہلکا تھو 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 کریں वलियम शैतान और शैतान से पनाह मांगे यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान से आऊद बिल्ल मिन शैतजीम पढ़ें वही और उस ख़्याल से अपना तवज्जो हटाएँ उसको छोड़ दें वन नज़ाल का युद्ध ही और ये काम करने से वो उल्टे सीधे ख्यालात वसवसे चले जाएंगे यह अमल उसके वसवसों को दूर कर देगा हाज ही खुलासतुलहदीसी हचल वारदा ये काम करना जो है क्यों करना है क्योंकि सही अदीस जो वारद होती हैं उनका ये खुलासा शेख ने यहाँ ज़िक्र किया है मुख्तफ़ अहादीस में इसके काम आया तो ख़ुलासा यहाँ शेख ने ज़िक किया है और ये रिवायत कहाँ है फिल बुखारी व मुस्लिम व अहमदा व अबी दाऊद सही बुारी में सही मुसलम मुस्ंद अहमद अबी दाऊद में मुख्तलि अदीस का मजमु और उसका ख़ुलासा ही यजिबल्कलू और ये कौल यह बात कहना वाजिब है भील्ला खाल बेश खाल है वलई सब मखलूक़ और वह मखलूक़ नहीं ल तकरीबी जाल कमिन नकूलू और अपने जहनों को इस बात के करीब करने के लिए मज़ीद आसानी से समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पर इलाद इस्नानबल हु के दो का जो अदद है इस्नान उससे पहले वाहिद आता है एक आता है वलवाद ला शे हो और वाहिद जो है एक जो है एक से पहले कोई आदत नहीं होता फल्ला वाद ला शे अकबल अल्लाह एक है उससे पहले कोई शह नहीं قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى نے ارشا... اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اللهم انت الاول فلا شيء قبلك ألا انت الاول تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے فلا شيء قبلك تجھ سے پہلے کوئی رواه مسلم یہ رواية صحیح مسلم میں ہے تو یہ تھا سوال نمبر 11 اور اس کا جواب ابھی یہ مجلس ہماری جاری رہے گی और इसी बाब में चंद और सवालत हैं जो हम अगली मजलिस में बयान करेंगे सवाल नंबर बारह तेरह चौदह और पंद्रह इसी बाब में हैं तो वो हम अगली मजलिस के लिए रखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर दस माहम بالقوانين बिलक़ानमखालिफल इस्लाम इस्लाम मुखालफ कवानीन अमल करने का क्या हुक्म है वो फैसले जो वाज तौर पे इस्लामी शर्ी फ़ैसलों से टकराते हों उनके मुखालिफ हों तो उन पे अमल करने का क्या हुक्म है जवाब है अमलोबा इस्लामी कुफर इस्लाम के मुखालफ कवानी पेमल करना कुफ्र है वज़ा अज़ा अवलायत हा युजुमिन इस्लाम और जब कोई ऐसे कवानी की इजाज़त दे जायज़ करार दे या ये अकीदा रखे कि ये कवानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं ये ज़्यादा सही है यह ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं या बेहतर हैं तो उनकी सलाहियत का एतक़ाद रखे अगर या मिन अल इस्लाम तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा तो तोहद के अक़ीदे में ये बात भी शामिल है कि जो भी रियासती कवानी हो वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों और हम इस्लाम के मुताबिक पे अमल करें जो इस्लाम मुखालिफ कवानीन को बेहतर समझेगा तो वो कुफ्र का मुर्तकिब होगा लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है क्योंकि ये मसला बड़ा हसास है इसलिए इस मौजू में दो सूरतें हो सकती हैं बाज़ इस्लाम मखालफ़ क़वानी पर कोई अमल कर रहा है तो कुफ़्र असर होगा और बाज़ सूरतों में कुफ़र अकबर होगा कुफर असगर और कुफ़र अकबर में यही फ़र्क है कि कुफर असगर करने से बंदा दायर इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा और कुफर अकबर करने से बंदा दायर इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है मिसाल के तौर पे नमाज नमाज इस्लाम का रुकन है अगर कोई ये कहता है कि नमाज इस्लाम का रुकन नहीं फ़र्ज़ नहीं या वाजिब नहीं तो ये कुफ़्र अकबर है और चाहे वो ख़ुद पाँचों नमाजें पढ़ने वाला हो बाजमात नमाज अदा करने वाला हो लेकिन अगर वो ये अक़ीदा रखे कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है तो ये अक़ीदा रखने से ही वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा ये कुफ्र अकबर है या इसी तरह ज़िना इस्लाम में हराम है कबायर में से है अगर कोई ये कहता है कि ज़िना करना कबीरा गुनाह नहीं या हराम नहीं जिना को हराम नहीं समझता तो किसी का जिना को हलाल समझना या हराम न समझना तो ये कुफ़्र है चाहे वो ख़ुद बड़ा पाक और साफ़ इंसान हो अच्छे किरदार वाला क्यों ना हो और उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा बहुत बड़ा ज़ानी है और वो कहता है जना हराम है कबीरा गुना है लेकिन वो ख़ुद इस काम में मुबतला है इस बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है तो वो कबीरा गुना कर रहा है बहुत बड़ा गुनागार है लेकिन वो काफिर नहीं होगा क्योंकि उसने ज़िना के हलाल होने का अकीदा नहीं रखा तो बाजा किसी गुनाह के करना और उसके हलाल होने का अक़ीदा रखना इन दोनों में फ़र्क होता है तो बाज़ मसाइल में तफसील होती है तो इसी तरह इस मसले में भी बाज़ सूरतों में इस्लाम मुखालिफ पे अमल करना या उनके सही होने का अकैदा रखना इन दोनों बातों में फ़र्क़ हो सकता है तो इस मसले में तफसील है तो फ़ौर किसी के ऊपर जल्दबाजी करते हुए कुफर का फ़तवा लगाते हुए किसी को काफिर नहीं कहना बस बुनियादी अक़दा ये याद रखना है कि इस्लाम मुखालफ कवानीन अमल करना कुफर है कभी कुफर असगर हो सकता है कभी कुफर अकबर हो सकता है लेकिन किसी को मुन करके किसी को नाम लेकर जल्दबाजी करते हुए काफिर करार नहीं देना और ये मसला के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ करके किसी के मुतिक फ़ैसला करें आम बंदे को या एक तलब इलम को इस मसले के अंदर इस अंदाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए कि वो लोगों को सामने रख के फ़ैसले करने लग जाए कि कौन मुसलमान है कौन काफ़िर है यहाँ तक ज़रूर याद रखें कि जितने भी कवानी हैं वो अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक होने चाहिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं उन्हीं पर हमें अमल करना है तो इस्लाम मखालफ़ कवानीन परमल करना कुफ्र है ये तौर पर यहदा हमारा होना चाहिए

कि जब वो किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे या अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम को अल्लाह के नाजिल करदा फ़ैसलों को इख्तियार नहीं करेंगे तो क्या होगा जय अम बीन हम तो नतीजा ये निकलेगा अल्लाह ताला उनके दरमियान आपस में लड़ाई डलवा देगा इसके नतीजे में आपस में वो लड़ाई करने लग जाएंगे तो ये हमारा आकदा है कि अल्लाह इज़्ज़त ने जो शरीयत नाजिल की है इनफ़रादी तौर पे भी हमने उसी पे अमल करना है और अपने इजतमाही फ़ैसले भी उसी के मुताबिक करने हैं और जो उनसे बाहर निकलेगा इस्लाम मुखालफ कवानीन अमल करेगा तो वो कुफ़्र का मरतकब होगा ये हमारा बुनियादी अकीद है जो कुरान पाक की सहयत करीमा ने बयान किया मगर जब हमने किसी के बारे में फ़ैसला करना है तो इसमें एहतियात करते हुए कि किसी पे गलत फ़तवा ना लग जाए किसी के बारे में ग़लत फ़ैसला न कर बैठें तो बेहतर ये है कि ऐसे मौजू पर ये मामलात उलमा के हवाले कर देने चाहिए और किसी को मुआयन करके किसी के ऊपर उंगली उठा के किसी को काफिर नहीं कहना तो एक अमूमी फ़ैसला जो है वो यहाँ बयान कर दिया गया है जो हमारा अक़ीदा है लेकिन जब किसी को उंगली उठा के किसी का नाम लेकर करके बात करेंगे मुआयन करके तो वो मामला कुछ और होते हैं उसमें तफसील होती है उसमें और बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं तो ये मामला अहल इल के लिए छोड़ देने चाहिए सवाल नंबर ग्यारह मन अल्लाह अल्लाह को किसने पैदा किया ये एक और सवाल है जो अक्सर हमारे जहन में पैदा हो सकता है या शैतान के वसवसों की सूरत में हमारे दिल में दिमाग में आता है तो अगर हमसे ये पूछा जाए या हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा हो कि अल्लाह को किसने पैदा किया तो जवाब क्या है इदा वसवस शैतान जब शैतान किसी के दिलो दिमाग में वसवसा डाले लिहाद कम तुम में से किसी के अंदर सुआल इस सुआल के ज़रिए फल बिल्ला तो ये नहीं कि वो ये सोचने लग जाए कि मैं इसका जवाब तलाश करूं कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया बल्कि वो अल्लाह की पनाह मांग लिया करे यानी हर सवाल का जवाब तलाश करना ज़रूरी नहीं होता बेशुमार सवालत ऐसे हैं जो हमारे जहनों में पैदा होते हैं लेकिन हम उनके पीछे नहीं चलते बल्कि क्या करना है फल यज़ बिल्ल अल्लाह की पनाह मांग लिया करे तो आकदे के बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि जो हमें समझ मुकम्मल तौर पर नहीं भी आ सकते तो जितना क़ुरान और हदीस के नुसूस में हमें मिलता है उसी पे रुक जाना है उसी पे अतम करना है यकीन कर लेना ईमान ले आना है ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि इस बात की कन्ह तक मैंने पहुँचना है ये बहुत सारे मसाइल में ऐसा होता है तो ये मसला भी ऐसा ही है जब हमारे जहन में सवाल है कि ताला को किसने पैदा किया है तो हमने ये नहीं सोचने लग जाना कि लग ताला को किसने पैदा किया है बल्कि हमने फौरन अल्लाह की पनाह मांगनी है ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमायाम और जब शैतान तुम्हारे दिल में वसवसे डाले शैतान की तरफ से जब तुम्हारे अंदर कोई वसवसा आए तो क्या करना चाहिए बिल्लाह तो अल्लाह की पनाह मांग लेनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने सद करीमा में यही हुक्म दिया फ़स बिल्लाह तो शैतानी वसवसों के नतीजे में अल्लाह की पनाह मांगा करो इन नसमीआलिम बेशक वही है जो असमी है अलीम है खूब सुनने वाला और रखने वाला है आयत करीमा का मफहूम है जो सूर फस्लत की यहाँ बयान की गई है الله عليه وسلم और तालीम दी हमें अल्लाह के रसूल وسلم ने शैतान के हम रद्द करें छोड़ दें शैतान के धोखे को व नक़ूल और हम यह कहें यानी शैतान के वसवसों और धोखों से बचने के लिए ये कहें अमन तुब्ह रसूल मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता हूँ उसके रसूलों पर रसुल जमा है रसूल की जिसे हम उर्दू में रसूलों कहते हैं अल्लाहद अल्लाह एक है अल्लामद अल्लाह बे न्याज है लद वमयूल ना उसी ने ना उसने किसी को जना है पैदा किया है और ना वो खुद कि, किसी से पैदा हुआ है जना गया है वलम्कुल्लह कुफ़ वन अहद और ना उसकी कोई बराबरी करने वाला है उसका कोई हम सर नहीं ये पढ़े सोम लियत फुल अन्य सारी ही सलासन तीन मरतबा बाएँ जानिब थूके थूकने से मुराद पूरा थूक नहीं फेंकना हल्का हल्के जर्रात वाला थूक बाएँ जानिब तीन दफ़ा निकाले वलिय मिन शेकौन और अल्लाह की पनाह मांगे बिल्लाह पढ़े वलियत ही और उस ख़्याल को उस वसवसे को जाने दे दूर करे फिन का पा नजा लेगा और ये काम करना युद्ध हिबुआन हो उससे ये वसा दूर कर देगा जब ये पढ़ के बाएँ जानब तीन मरतबा थूकेगा और अल्लाह की पनाह मांगेगा तो इससे ये वसा दूर हो जाएगा ये अमल हमारा उस वसवसे को निकाल देगा ये पूरा काम जो बयान किया गया है शैतान के बसवसों से बचने के लिए इस सवाल के जवाब में यह दरअसल मुख्तलिफ अहादीस से जमा किया हुआ ख़ुलासा है तो शेख आगे कहते हैं अहादीस सही हादही बुखारी व मुस्लिम ये सारा खुलासा है जो सही अदीसा अहदीस सयाह से ए, मिलता है जो बुखारी और मुस्लिम में वारद हैं वहमद व अबी दाऊद और जो मुस्न्द अहमद में भी हैं और जो अबी दाऊद में भी हैं उन तमाम अहदीस का ख़ुलासा यहाँ शेख ने बयान किया और हमें कहना क्या चाहिए इस सवाल के जवाब में यह जब ये बात कहना वाजिब है भी खालक बेषक अल्ल खाल है हमारा पैदा करने वाला है वली सभी मखलूक़ बल्ल तखलूक़ नहीं है वली तकरीबी जालिक मिनल अज़हान और इस जहनों को अपने अजहान को इस बात के करीब करने के लिए ताकि बात और समझ समझ सकें और वाज हो सके मसल नक़ुल मस हम यह बात मिसाल के तौर पर कह सकते हैं इलाद इस्नानबल वाहिद कि दो का जो अदद होता है उससे पहले एक आता है दो से पहले एक आता है वलवाद ला शैअ कबल और वाहिद से पहले कोई चीज़ नहीं आती ला शैअ कबल और अल्लाह ताला एक है अल्लाह ताला से पहले कोई चीज़ नहीं आती तो जिस तरह दो से पहले एक है और एक से पहले कुछ नहीं होता एक से ही शुरुआत है तो अल्लाह रब इज़त एक है एक से पहले कुछ नहीं हर चीज़ अल्लाह और हर चीज़ से पहले अल्लाह रबलत है अल्लाह हमेशा से है उससे पहले कोई नहीं खाल्ल वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लासम ने इशाद फरमाया انت الاول فلا شيء قبلك رواه مسلم قال أه الله انت الاول تو اول ہے تو،, تو،, تو سب سے پہلے, سے سے پہلے. تو سے ہے ہمیشہ سے فلا شيء قبلك تُو पहले कोई चीज नहीं تُو ही हमेशा से رواه مسلم یہ روایت مسلم موجود سوال نمبر 12 ہے، ما هي عقيده المشركين قبل الاسلام إسلام سي قبل مشركين کیا يعني مشركين عرب مشركين مكة مراد. جواب كانوا يدعون الأولياء للتقرب وأولياء سي الله أولياء سي دعاء كرتته للتقرب وطلب الشفاعة تقرب كالية أو الشفاعة كالية. अब ये जो सवाल है इसका जवाब यहाँ मुख्तसरन दिया गया है जबकि आगे जाके मुस्तकिल एक बाब है जिसमें यह मसला तफसीलन आएगा तो इख्तिसार से हम यहाँ पढ़ेंगे और बाब में हम पढ़ेंगे तुरन पाक में الله फरमाया वल्दीना तखज मही अलिया वह लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा अलिया बना लिए माना अब हम वो कहते क्या हैं कि हम इनकी इबात नहीं करते इक्रबू ना अल्लाजुल्फ़ा मगर ये कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं जिस तरह क़रीब किया जाता है यानि बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब कर देते हैं तो मुशरक़ी ने मक्का जब अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करते और उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा औरों को क्यों पुकार रहे हो तो जवाब में दलील के दौर पे यह बात कहते कि हम अल्लाह ताला को डायरेक्ट नहीं पुकार सकते हम इनके मोहताज हैं हम इन्हें पुकारते हैं और ये हमारी बात को अल्लाह के यहाँ पेश करते हैं इनके ज़रिए हम अल्लाह के करीब होते हैं तो ये उनका जवाब होता था और ये सुर ज़ुमर की आए है يونس ويعبدون يونس الله تعالى من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله व याबू नम इंदून और ये लोग अल्लाह के अलावा औरों की इबादत करते हैं माला रम जो नए नए नुक़सान पहुँचा सकते हैं वलिनफ़ा और नए नफ़ा दे सकते हैं वा और कहते क्या हैं हा उलाई यानि जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत कर रहे हैं उनके बारे में उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं हा उलाई शफ़ाआ आ उन्द् यह अल्लाह के हाँ हमारे शफा हैं शफात करने वाले हैं तो इसलिए हम इनकी इबादत कर रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला के सामने हमारी शफात करते हैं और यहाँ लफज शफात जो है इसे समझना ज़रूरी है लेकिन इसको हम रखेंगे अगले बाप के लिए कि जहाँ मुस्तकिल तौर तो पर ये मसला आएगा तो वहाँ तफसीला हम शफात का माना इन शान करेंगे तो यहाँ जो बात की तरफ इशारा किया गया है वो ये है के अक्सर मशरकिन मक् का यही अकीदा था वो यही कहते थे कि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है मालिक है वही इबादत का मुस्क है लेकिन हम इनकी इबादत या इनसे दुआएँ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के ही करीब करते हैं तो हम इसलिए इनके सामने ये इनकी इन, हमारी इनके सामने और इनकी अल्लाह के सामने तो येदा था मशरक़िन मक्का का वबादलमसलिमिन फ़ालू नजाय मुतशब ही आगे शेख कहते हैं बाज़ मुसलमान यही काम करते हैं मशरक की तरह मुतशब ही न मशरकिन की तरह सही यही काम सेम काम जो उस ज़माने के मशरकिन करते थे आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी वही काम कर रहा है और दलील भी वही मशरक की दे रहा है कि मेरी अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता और इनकी अल्लाह ताला सुनता है और कहा जाता है हमारी सुनता नहीं और इनकी मोड़ता नहीं अल्लाह इस तरह के जुमले भी हमारे यहाँ बहुत सारे मशहूर हैं सवाल नंबर तेरह कई फा नन फि शिर कैसे हम अल्लाह के साथ शर की नफ़ी करें इनकार करें जवाब ला चमफ़ी शिर की इल्... बिल्ला बिनफ़ी माली अल्लह तथा शिर की नफ़ी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इन चीज़ों का इनकार न किया जाए इन चीज़ों की नफ़ी न की जाए जो नीचे आ रही हैं नंबर एक अशरकुफ़ी अफ़ाल रब अल्लाह ताला के तफ़ाल में शर का इनकार करना अल्लाह रबल इज़त्त अपने अफ़ाल में अकेला है उसका कोई शर्क नहीं كالاعتقاد بأن هناك أقطابا يدبرون الكون مع أن الله يسأل المشركين ومن يدبر الأمر فسيقولون الله जैसे कि मिसाल के तौर तो पे यह अकीदा रखना कि कुछ अक्ताब हैं कुतुब होता है उसकी जमे अब और ये कुतुब लफ्ज़ सूफिया के यहाँ इस्तेमाल होता है जिनके बारे में वो ये अकीदा रखते हैं सूफिया ये अकीदा रखते हैं कि इस कायनात के निज़ाम को चलाना के लिए अल्लाह तब कोार दिया है या कुछ अक्ताब हैं जो इस कौन के इस कायनात के निजाम को चला रहे हैं तो ये शिरक है क्यों इसलिए कि ने तशरकिन से ही सवाल किया कुरान पाक में वाम युद्ध जब इनसे पूछोगे कि इस कायनात के निज़ाम तमाम अमूर तमाम मामला कौन चला रहा है कौन तदबीर कर रहा है फसूल बस ये अनकरीब यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है तो अल्लाह इज़्ज़त इस कायन के निज़ाम को चला रहा है और इस निज़ाम को चलाना अल्लाह ताला के अफ़ाल में से है तो सबसे पहले शर्क नफी करने के लिए इस बात का इनकार करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के अफ़ाल में उसका कोई शरीक नहीं वो अकेला पैदा करने वाला है पैदा करने में उसका कोई शरीक नहीं वो कायनात का अकेला मालिक है तमाम मखलूक का मालिक है उसका कोई शर्क नहीं तमाम मखलूक़ का निज़ाम चलाने वाला तदबीर करने वाला वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं तो ये अल्लाह ताला के अफ़ाल में शर्क की नफी करना ये नफी ये यहाँ से शिरक की नफी का आगाज़ होता है दूसरा नुकता अशर फिल इबादा अल्लाह तआला की इबादत करते हुए शिर्क की नफ़ी करना का दुआ इम्बिया औलिया जैसा कि अल्लाह के अम्बिया से दुआ करना या उसके औलिया से दुआ करना क्यों दुआ अल्लाह इज़्ज़त के लिए ख़ास है दुआ इबादत है लिहाजा हर किस्म की इबादत जब अल्लाह तआला के लिए है तो दुआ भी अल्लाह ताली से ही करनी है तो अल्लाह के उलिया को पुकारना अल्लाह ताला के अम्बिया को पुकारना ये शिरक है और इस शिरक का इनकार नफी ज़रूरी है ला तरन पाकि आयत करीमा हैल्ल त कौल है कुल इनमरबी ए मेरे नबी इन को कह दें कुल इनसे कह दो इन अधड़ू रब्बी मैं अपने रब को ही पुकारता हूँ यानी अपने रब के अलावा किसी को नहीं पुकारता यह माना इन नमा का अपने रब को ही पुकारता हूँ को श्रर्क रब अहदा और मैं किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं करता तो ये दुआ के साथ ताला ने शर की नफ़ी की है तो मतलब ये है कि दुआ अल्लाह ताला के लिए है इस दुआ में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से यह ऐलान करवाया गया कि कह दें कि इस दुआ में मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وقول رسول الله الله رسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث مباركه الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة الدعاء هي عبادته रवाहिरमिदी यू इमाम थिरमिदी ने सुन थिरमिदी ने इस में इस रिवायत को जिक्र किया है वक़ाला हसन और इसके बारे में कहा है यह रिवायत हसन सही दर्जे की है तीसरा नुक्ता शर् की नफ़ी के हवाले से अशरक़ी शफात अल्लाह तफ़ात में जो शिरक होता है उसका भी इनकार करना ज़रूरी है कल रसुलियाः यालम जैसे कि कोई अगर ये अक़ीदा रखे कि अल्लाह तम्बिया और अलिया गैब जानते हैं क़ाल अल्ल तुरन पाक में अर्शाद फ़रमायामफात कह दो लाम मन फ समाचल और जो भी ज़मीन व आसमान में है कोई नहीं जानता को अल्लाह सिवाय अल्लाह के तो ज़मीन व आसमान में कोई ग़ैब का इल्म नहीं रखता ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह इज़्ज़त के पास है ये हमारा अकीदा होना चाहिए अगर कोई कहे कि अल्लाह के अलावा भी अलिया या अम्बिया के पास ग़ैब का इल्म है तो वो इस में शिरक कर रहे हैं और इस शिरक तो का इनकार करना ज़रूरी है जैसा कि सायद करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और यह आयत उन्नमल की आयत चौथा नुक़ा अशर्क तशबी शिरक का इनकार तशबी में यानी तशबी के ज़रिए भी शिरक होता है कि जब अगर कोई ये कहे कहने वाला ये कहे कि जरूरी है कि कोई वास्ता हो कोई वास्ता हो बशर का जब मैं अल्लाह को पुकारूं यानी किसी दूसरे इंसान के वास्ते से मैं रब को पुकारूँ अपने अल्लाह को पुकारूँ यह वास्ता होना जरूरी है और आगे से उससे पूछा जाए भाई क्यों अल्लाह तो डायरेक्ट सुनता है अल्लाह को पुकारो ये वास्ते और वसीले क्यों डाल रहे हो इन डायरेक्ट क्यों पुकार रहे हो किसी के ज़रिए डायरेक्टली क्यों नहीं पुकारते तो वो आगे से ये कहे कल अमीर ला इसकी अदखूलई लास्तीखूलाई जैसे कि कोई अमीर हो कोई बादशाह हो कोई गवर्नर हो कोई बड़ा आदमी हो कोई वजीर हो ला इसकी़ी उदूलाई और मैं उसके पास दाखिल होने की पहुंचने की इस्तात नहीं रखता सिवाय वास्ते के क्या मतलब है उसका एक सेक्रेटरी होगा या उसके नीचे कोई होगा या उसके नीचे कोई होगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़े इंसान तक पहुंचने के लिए पहले छोटे से मिलूंगा फिर उससे फिर उससे फिर उसके सेक्रेटरीज तक पहुंचूंगा वो मुझे उस तक पहुंचाएगा तो जिस तरह अमीर और बादशाह या किसी बड़े आदमी तक पहुंचने के लिए छोटों का सहारा लेना पड़ता है तो फहाद शबल खाल कबिल मखलूक अब लोग कहते हैं जिस तरह अमीर तक पहुंचने के लिए सहारा चाहिए या बाज़ लोग कहते हैं छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए तो सीढ़ी की मिसाल देते हैं छत तक पहुंचने के लिए किस लिए कि अल्लाह ताली तक पहुंचना है तो हम बिया और अलिया का वास्ता चाहिए और दलील के तौर पर यह मिसालें दे रहे हैं तो शेख ने कहा है दरअसल ये तशबी दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अमीर की तशबी दे रहे हैं भाई अल्लाह ताला तक पहुंचना और है वो खुद कहता है मुझे पुकारो वो हर एक की सुनता है जब पुकारोगे तो डायरेक्ट सुनेगा लेकिन अमीर जो है ये इंसान है ये मोहताज है ये हर एक की नहीं सुनता हर एक की नहीं जानता इसलिए हमें वास्ते और वसीले चाहिए तो किसी गवर्नर तक पहुंचने के लिए उसके वजीर तक पहुंचने के लिए उसके सेक्रेटरी तक की सपोर्ट चाहिए उसका वास्ता चाहिए क्यों क्योंकि गवर्नर हर एक की नहीं सुनता लेकिन बाज़ लोग ये मिसाल किसके लिए दे रहे हैं अल्लाह ताला के लिए दे रहे हैं तो मखलूक की तशबी खालिक से दे रहे हैं तो ये शिरक हो जाएगा तशबी की वाले शिरक का इनकार भी ज़रूरी है फहादा शब अल बिलमखलूक और ये मिसालें देने वाला क्या कर रहा है उसने खालि की मखलूक के साथ तशबी दे दी वह हुआ मैं शर्क लि कौल ही तला और ये शिरक में से है क्योंकि अल्लाह ने तुरन पाक में इर्शाद फरमाया लई सा का मिसली ही शई कई लई सा कमिस ही शई उसकी मिसाल जैसी कोई चीज़ नहीं उसकी कोई मिसाल नहीं ओं तब को अल कौल्ला और अल्लाह त ये कौल भी इस बात पर पूरा उत उतरता है कुरान पाक की आयत करीमा लिन अशरो लह बतन अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत करीमा में फ़रमाया अगर तूने भी शिर्क किया लिन अशरोखता अगर तूने भी शिर्क किया लह बतन तो तेरे भी आमाल बर्बाद हो जाएंगे वलतकू नन न खासिरिन और तू भी खसारा पाने वालों में से हो जाएगा फैजा तब वन फिलवायिन शिरक जब कोई तोबा कर ले यह सारी चीज़ें छोड़ दे वनफा और नफ़ी कर दे हाज हिल अनवामिन शर्क इन तमाम शर्किया सूरतों की नफ़ी कर दे फ़ैकून मुहिदा तो वह बंदा माहिद कहलाएगा तोहद को मानने वाला कहलाएगा हम जालना मिनल माहिदी वाला था जालना मिनल मशरकिन आगे शेख़ ने दुआ की है अल्लाह हमें माहिदीन में से बना और मशरकिन में से ना करना सवाल नंबर चौदह माँ हुआ दौर शिरकल अकबर शिरक अकबर की मुख्त सूरतें पढ़ने के बाद अब सवाल ये आता है कि अगर इन तमाम सूरतों में से जो शिरक अकबर की हैं अगर कोई शिरक अकबर किसी सूरत का कर बैठता है तो उसका क्या नुकसान है क्या गरर है जवाब अशरकुल अकबरु यूसअ बिबुलखलूद फिनार शिरक अकबर सबब है आग में हमेशा रहने का यानी जो शिरक अकबर की करता रहेगा और उसी हालत में उसे मौत आ गई तोबा न की जिंदगी में शिरक अकबर के दौरान उसी हालत में मौत आ गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए आग में रहेगा قال الله تعالى اللي, تعالى اللي تعالى نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بشك کے الله كساد الشركية من يشرك بالله کے الله كساد کیا فقد حرم الله عليه الجنة اللہ تعالى نے اوپر يقينا جنة حرام كردي. न्नार और उसके ठिकाना आग है और इन िमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा यानि मुशरक़ालम है और इन िमों के लिए मशरकों के लिए मदद करने वाला कोई नहीं होगा या तकमा है सूरतम की वकाल सल्लाकु भी नन्नार आप सल्हम ने फ़रमाया जो अल्लाह त मिला ऐसी हालत में कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक करता था दखल तो आग में जाएगा هل ينفع मुस्लिम, मुस्लिम में है सवाल नंबर चौदह है हल शिर्क। क्या शिर्क के साथ आमल नफा देता है यानी जो हम नेक काम करते हैं नमाज रोज़ा ज़क़ात हज वगैरह वगैरह जितनी इबादत हैं ये सारे अमाल का बंदा अंबार लगा ले ढेर लगा ले तो क्या इसके साथ साथ अगर कोई शिरक भी कर रहा है तो ये सारे अमाल नेक अमाल शर्क की मौजूदगी में हमें फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे जवाब ये है लाए शिरक शर्क के साथ कोई अमल फ़ायदा नहीं देगा सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे وقرآن القرآن پاک کی ایت لقول الله تعالى اللہ تعالی نے قران پاک میں ارشاد فرمایا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اگر ان لوگوں نے لحبط عنهم ما كانوا يعملون تو ان کے सारे के सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे जो भी ये अमल करते हैं और इस सायदा से पहले ताली ने अम्बिया की एक तवील फहरिस्त बयान की है और उसके बाद फरमाया कि अगर इन्होंने भी शिर्क किया तो लल्ला तला इनके भी अमाल बर्बाद कर देगा तो मेरी और आप आम बंदे के लिए कानून और कायदा बना दिया गया है कि शिर करने वाले के तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं शिर की मौजूदगी में बंदे के नेक अमाल उसे नफा नहीं देते وقال صلى الله عليه وسلم قال لك رسول صلى الله عليه وسلم فرمایا أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه حديث القدسي صحیح مسلم آپ اللہ تعالی خد فرماتا ہے الله عليه وسلم فرمایا اللہ تعالى فرماتا कि शरीक बनाए जाने वालों में से शरीक बनाए जाने वालों में से सबसे ज़्यादा शराकत से, से मुस्तनी गनी बे मैं हूँ यानी मैं किसी का शरीक या मेरा कोई शरीक नहीं बनता मैं इससे मुस्तनी हूँ जिस शख्स ने भी कोई अमल किया मन आमिल आमिला किसी ने कोई अमल किया अशरक मैं का गैरी और इसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तरक् तो हूँ व मैं तरक् तो हूँ व तो मैं इसे इसके शिर के साथ अकेला छोड़ देता हूँ यानी मैं इसे भी छोड़ देता हूँ इसके शिर को भी छोड़ देता हूँ तो अल्लाह इज़्ज़त ऐसे किसी अमल को कबूल नहीं करता जिसमें मिलावट हो अल्लाह ताला शिरक से बेनियाज़ है मुस्तगनी है मुशरक से भी और उसके शर्क से भी तो कोई बंदा अगर शर्क कर रहा है किसी सूरत का और उसके साथ वो बड़े बड़े अंबार भी लगा ले नेक कामों के तो उसके नेक आमाल इस शिर की वजह से रद्द कर दिए जाएंगे लिहाजा शिरक अकबर से महफूज होना ज़रूरी है शर्क और इस कस्म की मिलावटों से अपने अमाल को बचाना ज़रूरी है ये थी हदीस क़ुसी जो सही मुस्लिम में है और इसलिए पिछली रिवा आयत करीमा जो है वो वह सूरतम की थी दोनों ही इस बात पर दलालत करती हैं अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक तो अदा फ़रमाए तोहेद पर सबित कदमी अदा फरमाए और हर किस्म के गारी और महफ़ी शरक से बड़े और छोटे शिरक़ से महफूज रखे व सल् नबी महमद वली वबी ही اجمعين